नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल क्लास में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वीडियो में मैं आपको डिफेंस, स्पेस और इंटरनेशनल खबरों से अवगत कराता हूं, तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वारी है भारतीय सेना को लेकर। एलओसी पर तनाव बढ़ने के मकसद से पाकिस्तानी आर्मी ने बुधवार को उड़ी सेक्टर के अग्रिम सैन्य और नागरिक ठिकानों पर जमकर गोलाबारी की। इस गोलाबारी में भारतीय सेना के नायब सूबेदार शहीद हो गए और एक महिला की मौत हो गई। खबरों की माने तो जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दो सैनिकों को मार गिराया, साथ ही पाकिस्तान की 2 से 3 चौकियों को नुकसान भी पहुंचा दिया। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर पाकिस्तान को लेकर आ रही है। जी हाँ, इमरान सरकार ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के सेवा विस्तार से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि कोर्ट ने 3 साल की सेवा विस्तार के सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए सिर्फ 6 महीने के अतिरिक्त कार्यकाल को मंजूरी दी थी। पाकिस्तान सरकार बाजवा जो कि 59 वर्ष के हो चुके हैं, उनके एक्सटेंशन की कोशिश में ऐसे समय में लगी हुई है जब भारतीय सेना के चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पर हालात बिगड़ सकते हैं और हमारी सेना किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान भारतीय सेना चीफ के बयान से डरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की याचिका में लिखा गया है कि पाकिस्तान 5वीं पीढ़ी के युद्ध की तरफ जा रहा है। आपको बता दें कि कानून के तहत पाकिस्तानी सरकार को 28 दिसंबर तक पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी थी। इमरान की सरकार कैमरे की निगरानी में सुनवाई करने की अपील करने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने का हवाला देते हुए बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन दिया था। हालांकि 28 नवंबर को शीर्ष अदालत ने उनके सेवा विस्तार को केवल 6 महीने का ही एक्सटेंशन दिया है। अब दोस्तों ये देखना होगा कि आखिर इनका सेवा विस्तार 3 साल का हो पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस बात से तो ये लगता है कि पाकिस्तान भारत के आर्मी चीफ के बयान से डर गया है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में, आप जरूर मुझे कॉमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि समृद्धि एक्सप्रेसवे जो कि अभी निर्माणाधीन है, उसका इस्तेमाल आपात स्थिति और युद्ध जैसी स्थिति में भारतीय वायुसेना उसका इस्तेमाल कर सकेगी, जो कि युद्ध जैसी स्थिति में लड़ाकू और कार्गो विमानों के लिए भी काम आएगा, क्योंकि इस दौरान वायुसेना के अड्डे काफी दुर्गम हो जाते हैं। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम यानी कि MSRDC के प्रबंधक निदेशक राधेश्याम मोपलावर ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण का 22% काम अब तक पूरा हो चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे 700 किलोमीटर लंबा है, इसीलिए दोनों तरफ 3 लेन के साथ विभिन्न स्थानों पर यह सड़क पर लगातार खिंचाव प्रदान करता है, जिससे विमानों को उतरने में यहाँ पर सुविधा हो सकती है। एक लड़ाकू विमान की लैंडिंग के लिए आमतौर पर सड़क का 3 किलोमीटर लंबा हिस्सा आवश्यक होता है। दोस्तों हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने दिल्ली के पास यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक स्ट्रेस लैंडिंग की थी। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को लेकर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि देश में जारी प्रदर्शनों के खिलाफ इन दोनों काफी राजनीतिक शोर शराबा हो रहा है। ऐसे में आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि मुश्किल परिस्थितियों में डटे सेना के जवानों की उन्होंने सराहना की और उन्होंने कहा कि लोग दिल्ली की ठंड से खुद को बचाने में जुटे हैं, जबकि सियाचिन में मेरे जवान -10 से -45 डिग्री में सरहद की रक्षा कर रहे हैं। NRC और CAB को लेकर जारी विरोध और देश के कई विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन भी आर्मी चीफ ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी का नाम लिए बिना कहा कि नेतृत्व वह क्षमता नहीं है जो लोगों को गलत दिशा में ले जाती हो। आज हम बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी और कॉलेज में छात्रों की अगुवाई में कई शहरों में भीड़ और लोगों के हिंसक प्रदर्शनों को देख रहे हैं, ये नेतृत्व की क्षमता नहीं होती है। दोस्तों वही अगली खबर रूस को लेकर आ रही है। जी हाँ, रूस ने संकेत दिया है कि चीन के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में ब्रह्मोस मिसाइल आड़े नहीं आएगी। जी हाँ, रूस ने कहा कि भारत और मॉस्को द्वारा निर्मित इस मिसाइल की खरीद के लिए दुनिया भर के करीबन 1 दर्जन से अधिक देश उनसे संपर्क में लगे हुए हैं। भारत में रूस के उपराजदूत ने कहा कि चीन और भारत के बीच रूस का संबंध रणनीतिक है, स्वभाव से हम एक दूसरे के लिए स्वतंत्र है, यह रूस की विदेश नीति का मूल सिद्धांत भी है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ हमारा कोई सैन्य गठबंधन नहीं है और हमारा कोई इरादा भी नहीं है। साथ ही रूस के उपराजदूत ने कहा कि फिलीपींस सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की 2 बैटरियों के लिए अगले साल की 1 या 2 तिमाही में के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज मध्यम दूरी की रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और 200 से 300 किलोग्राम वजनी वारहेड ले जाने में भी सक्षम है। ब्रह्मोस भारत की तीनों सेवाओं यानी कि भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के साथ सेवा में है। दोस्तों अगली खबर भारतीय सेना को लेकर आ रही है।
जी हाँ, अपने सैनिकों की ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने एक सुरक्षात्मक बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ इंटीग्रेटेड एक ऑडियो वीडियो निगरानी प्रणाली विकसित की है, जिसे दुश्मन को सुरक्षित दूरी से ट्रैक करने और जानकारी प्रदान करने के लिए सेना के कुत्तों पर लगाया जा सकता है। एक बार इन गैजेट से लैस होने के बाद सेना के कुत्ते करीबी क्वार्टर से दुश्मन के स्थान पर आसानी से जासूसी कर सकते हैं और दुश्मन के स्थान से 1 किलोमीटर तक की सुरक्षित दूरी से रिसीवर और सूचना प्रसारित भी कर सकते हैं। नई विकसित प्रणाली के बारे में सेना ने बताया कि हम निकट संचालन के दौरान सैनिकों की संख्या के मामले में कोई हताहत नहीं होना चाहते हैं। हमने एक ऐसी प्रणाली विकसित कर ली है जिसमें सेना के कुत्ते एक कैमरे के साथ जासूसी कुत्तों की तरह काम करेंगे और उनके बुलेट प्रूफ जैकेट में एक ट्रांसमीटर भी लगाया जाता है। कैमरा एक रिसीवर से जुड़ा होता है जो करीबी ऑपरेशन में दुश्मन की लोकेशन देने में मदद करता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सेना के कुत्तों को कई उद्देश्यों से प्रशिक्षित भी किया जाता है, जिसके कारण उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए उनको सुरक्षा प्रदान करना हमारी एक जिम्मेदारी है और इसीलिए उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनाया गया है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर चीन म्यांमार रेलवे लाइन को लेकर आ रही है। पिछले कुछ सालों से चीन एक बार फिर से सक्रिय होता दिखाई दे रहा है और उसने म्यांमार में अपना खोया हुआ आधार धीरे धीरे फिर से पाना शुरू कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि म्यांमार में नागरिक सरकार के गठन के बाद से दोनों देशों के द्विपक्षीय आर्थिक संबंध और गहरे हो गए हैं और पहले से ज़्यादा संस्थागत यानी कि इंस्टीट्यूशनल हो चुके हैं। म्यांमार औपचारिक रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो चुका है और चीन म्यांमार आर्थिक गलियारों को आकार देने की दिशा में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। दोस्तों, चीन म्यांमार रेलवे का मामला जो देखने में दो देशों के बीच परिवहन नेटवर्क की सीधी साधी पहल जैसा दिखाई दे रहा है, इसके भारत के लिए दीर्घकालीन और महत्वपूर्ण सामरिक परिणाम हो सकते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से म्यांमार से सटी भारत की सीमा ऐतिहासिक रूप से गंभीर सुरक्षा चुनौती ये रेलवे नेटवर्क प्रस्तुत कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन म्यांमार से सटे म्यांमार के म्यूज और मांडले क्षेत्र के बीच रेलवे लाइन बिछाने की संभावना के बारे में पता लगाने के लिए अध्ययन कर रहा है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चीन अपने यूनान प्रांत की राजधानी कुनमिंग को चीन की म्यांमार सीमा से सटे रूरल क्षेत्रों के साथ जोड़ने के लिए उनके बीच रेलवे लाइन बिछाने की प्रक्रिया में है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि ये नहीं बताया गया है कि ये दोनों रेलवे लाइनें आपस में जुड़ी होंगी या फिर इन्हें अलग अलग ऑपरेट किया जाएगा। इन दोनों रेलवे लाइनों से चीन और म्यांमार के बीच होने वाली आर्थिक गतिविधियों को काफी बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों का मौजूदा आपसी व्यापार और भी मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। आपका वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न या आपका कोई जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टेक्निकल अस्त को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोज की लेटेस्ट जानकारी पाएं।